गए थे क्या लेने और ले लिया क्या। फ्रेंड्स हम लोग मार्केट निकल रहे हैं और अभी हमारे घर में तिरंगा नहीं मतलब लगा हुआ है, तिरंगा झंडा नहीं लगा हुआ है, तो झंडा भी खरीदना है और भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। और मेरा 17 तारीख को मेरा व्रत भी है जिसकी भी सब शॉपिंग करनी है, तो इसलिए अभी हम लोग मार्केट में। तो शायद आपको मेरी आवाज सही से ना जा रही हो। अभी हम लोग दुकान की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर चुके हैं और अब हम लोग तिरंगा ढूंढने जा रहे हैं कि कहाँ पे लेना है। पहले हम लोग को पता था कि यहाँ पे मिल जाएगा मगर यहाँ पे नहीं मिल पाया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट शॉप पे जा रहे हैं, दूसरी शॉप पे जा रहे हैं और देखते हैं कि तिरंगा कहाँ मिलता है। और बस पहुँचते हैं तिरंगा लेने के लिए, वहाँ मिल जाएगा ना। इशू आए थे क्या लेने और ले लिया क्या। आए थे अभी तिरंगा लेने के लिए, अभी तिरंगा नहीं ले पाए और हमको दो कुर्तियां पसंद आ गई तो वो दो कुर्तियां ले लिए। अब चलते हैं किसी और मंजिल पे और कुछ शॉपिंग करने के लिए चल रहे हैं, देखते हैं कि आगे आगे क्या सारा शॉपिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मुझे याद आ गया कि मेरी शॉप पे भी चूड़ियां खत्म हो गई थी, तो अभी हम लोग अपनी शॉप की चूड़ियां खरीदने आए हैं और बस यहाँ चूड़ियां खरीद के बस वापस जाना है। और ज्यादा चूड़ियां नहीं लेनी है हम लोग को, केवल रेड कलर की चूड़ियां ले ली क्योंकि रेड ही कलर की चूड़ियां खत्म हो चुकी है, क्योंकि रक्षाबंधन था तो काफी अच्छी मतलब लोग शॉपिंग नहीं किया, तो इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा डाउन हो चुका है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए और अब हम लोग अपने रायबरेली के सुपरमार्केट जा रहे हैं। सुपरमार्केट से भी हम लोग को थोड़ा बहुत सामान लेना है और अभी तक हम लोग रायबरेली के सब्जी मंडी में थे, तो सब्जी मंडी से हम लोगों के यहाँ सब्जी मंडी में भी बहुत चीजें मिलती हैं, तो वहां से भी हमने थोड़ा बहुत सामान खरीदा और पहुंचते हैं अब हम लोग सुपरमार्केट। ये है हमारे यहाँ का घंटाघर चौराहा और देखिए इस तिरंगे से वाली झालर से एकदम डेकोरेट कर दिया गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम हो चुकी है इसलिए लाइट जल चुकी है यहाँ की। रायबरेली घंटाघर चौराहा। बीच वाला फाइनली फ्रेंड्स हम लोग ने झंडा ले लिया और देखते हैं और घर पहुंच के लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मेरे घर का लुक कैसे आता है तिरंगा से। कैसे लीजिए भैया, फाइनली जिस मिशन पे आए थे वो मिशन कंप्लीट और पहुंच चलते हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स कल बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी शॉपिंग करने में, तो हम लोगों को काफी रात हो चुकी थी इसलिए हमने रात में तिरंगा नहीं लगाया क्योंकि रात में नहीं लगाते हैं, और इस वजह से अब हम लोग दूसरे दिन नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में लगा रहे हैं। और ये देखो छोटू, आज संडे है तो सब लोग छुट्टी है सबकी, तो सब लोग घर पे ही हैं और सब इधर उधर भाग रहे हैं। हर घर तिरंगा लहराए। अब हम लोग चल रहे हैं अपने छत पे तिरंगा लेके। हर जगह तिरंगा लहरा रहा है, वहाँ पे है यहाँ पे, और फाइनली हम लोग छत पे आ गए और हम लोग भी अपना तिरंगा लगाने जा रहे हैं। लगभग लोगों के घरों में तिरंगा लग चुका है और हमारे यहाँ थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम लोगों को पता था कि मतलब नगर पालिका वाले आएंगे देके जाएंगे, पर हम लोग यहाँ नहीं देके गए तो फिर इस वजह से फिर हम लोग लेके आए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लहरा रहा है हमारे देश का तिरंगा। सुंदर फ्रेंड देख सकते हैं मेरे घर का तिरंगा लग गया और कितना अच्छा व्यू हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी मेरे यहाँ एक और लगेगा क्योंकि मेरी ये सेकंड फ्लोर पे लगा है और अभी ये मतलब मेरे थर्ड फ्लोर पे लगा है, ये सेकंड फ्लोर पे लगेगा, तो एक तिरंगा लगाने की और तैयारी हो रही है क्योंकि हमारे घर पे दो आ गए थे, एक हम लोग ने खरीद के लाया था, एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो एक और लगाने की तैयारी हो रही है, तो वो घर की छत पे कॉर्नर पे लगेगा।